खा रहा तू हिमप्रे मजे से। मजे लग गई मिर्ची। बच्चों को सताने से ज्यादा आता नहीं किसी भी चीज में मजा। अब रहकर मैं यही करूंगा बच्चों को परेशान। लेकिन उसके लिए मुझे बनाना होगा यहाँ पर कोई अपना ठिकाना और लेना होगा दाखिला इस विद्यालय में एक छात्र बनके। लेकिन होगा कैसे ये सब? वाह बाबा, हम स्कूल में नहीं पढ़ेगा, इधर जादू होता है। आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, पहले दिन कोई जादू से हमारी आइसक्रीम को मिर्ची में बदल दिया। बेटा चितरंजन दास, मुझे ऐसा लगता है कोई शरारत किया होगा तुम्हारे साथ। हाँ बेटा, हमारा ऑफिस में काम करने वाला महेश डगली का दोनों बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है और वो बोलता है कि ये स्कूल बहुत अच्छा है। नहीं माँ बाबा, हमें स्कूल में नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। अरे अरे सुन चित्रो, रुको तो। अरे चित्रो, लो तोबा तोबा, कर दिया तुम्हारा काम आसान इस बच्चे चित्तरंजन दास ने। अब जाऊंगा मैं बनके इस विद्यालय में चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास ही क्यों, जाऊंगा मैं तो बनके चित्तरंजन दास, मनोरंजन दास चटर्जी। और सता सता कर बच्चों को करूंगा अपना मैं मनोरंजन। अब ये मेरी जादू की छड़ी दिखाएगी अपना कमाल और फिर होगा इस विद्यालय में रोज नया एक बवाल। है ना मेरा तोबा तोबा, कर दूंगा सबकी तोबा तोबा। परियों, आप सबको पता है महर जब मुझे बल्लू लल्लू कहती है ना, तब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसकी बातों में उसका अपनापन और प्यार छिपा होता है। इतना प्यार होता है कि मुझे बुरा लग ही नहीं सकता। आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आपको डगली परिवार जैसा साथ सचों का परिवार मिला है। अरे डूबा डूबा, आप कहाँ थे सुबह से, कहीं दिखाई नहीं दिए। देता कैसे दिखाई है, बिद गया आज मेरा सारा दिन सो सो कर ही। डूबा डूबाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना कि परिलोक में सोने और जागने का निश्चित समय निर्धारित किया गया है। वो जानता मैं रानी परी, किंतु कीजिए मुझे क्षमा, उब गया तो मैं इतना ज्यादा निठल्ला बैठ बैठ के कि बचा ही नहीं मेरे पास कोई रास्ता सोने के अलावा। लेकिन डूबा डूबाई, आप इतनी ज्यादा उब महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो गई है सारी बुरी शक्तियाँ समाप्त। परियो है आता मुझे बहुत मजा पूरी शक्तियों को मजा चखाने में। वैसे आप ठीक कह रहे हैं डुबा डुबा, हम परियों को भी थोड़ी थोड़ी ऊब महसूस होने लगी है। हाँ हुई ना ये बात। हाँ तो परियो, मिटाने के लिए आप सबकी ऊब या तो आप सो जाओ या तो घुमाओ किसी दूसरे लोक में। नहीं नहीं डुबा डुबा, हमें डर है कि कहीं महाविनाशनी या कोई दूसरी बुरी शक्ति फिर से सक्रिय ना हो जाए। हाँ परी, डरी परी बिल्कुल सही कह रही है, हम सबको बहुत सावधान रहना होगा। हम जानते हैं कि महाविनाशनी का खतरा टल चुका है, लेकिन बुराई किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी समय अपना सर उठा सकती है, इसीलिए हम सबको बहुत सावधान रहना होगा। बच्चों, तो बच्चों, as usual मैं सबसे पहले तुम लोगों की और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दूंगा। महत्वपूर्ण सूचना? मानव, इसका मतलब है सर सरप्राइजेस लेने वाले हैं। मानव डगली प्रेजेंट सर। मेहर डगली प्रेजेंट सर। मंटू लखानी प्रेजेंट सर।
निशा यादव, मिहिर सावंत। बेफस, तोबा तोबा, लिखा ही नहीं मैंने तो अपना नाम अध्यापक जी की हाजिरी लेने वाली किताब में। अगर नहीं मिला मेरा नाम अध्यापक जी को तो निकाल देंगे वो मुझे कक्षा के बाहर। करूँ क्या, करूँ क्या। मिल गया उपाय। सबसे पहले होगा मुझे भटकाना अध्यापक जी का ध्यान। मतलब यहाँ तो हम सब ही है। आपको कौन चाहिए? मंटू, डोंट बी योर शॉट। थैंक यू। मेरा मतलब है मुझे बॉल किसने मारी? किसने मारी मुझे बॉल? मंटू, मुझे तो तुम पर ही शक है। बॉल तुम्हारी साइड से ही आई थी। स्टैंड अप ऑन द बेंच। नो, स्टैंड अप ऑन द फ्लोर। मेरा मन तो बहुत कर रहा था, पिज्जा बर्गर की कसम मैंने नहीं मारी। रोहित की कसम सर, मैंने नहीं मारी। अरे सर, सच में मोंटू बॉस ने नहीं मारी? अरे मोंटू बॉस ऐसे छोटे मोटी मस्ती नहीं करते। मोंटू बॉस तो आपके चेयर पे चिपकू गम लगाने का सोच रहे थे। हाँ। अच्छा हुआ मैं यहाँ बैठा था। मोंटू, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं ये पता लगा लू की। अरे तुम लोग हंस क्या रहे हो? पकड़ो इस बॉल को, जाने ना पाए। अरे कोई है? हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हमें बाहर निकालिए। यहाँ से बाहर निकालो, हमें बचा लो। पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? हम हैं। हमारे बारे में जानने से पहले आप अपने बारे में बताइए। आप अच्छाई की साथी हैं या बुराई की? बुराई की। बुराई की? बुराई की दुश्मन हूँ, सच्चाई की साथी। तुम मुझ पे भरोसा करके अपने बारे में सब कुछ बता सकते हो। हम हैं रक्षक परी और भयंकर परी ने हमें यहाँ कैद करके रखा हुआ है। उसने हमें बहुत सताया, बहुत तकलीफ दी, लेकिन हमने भयंकर परी को कुछ भी नहीं बताया। लगता है परी ने अपने दिल में कोई बहुत बड़ा राज छुपाया। मुझे इससे वो राज पता करने के लिए बहुत चालाकी से काम लेना पड़ेगा। क्या सोच रही हैं आप? आपको रानी परी ने ही भेजा है ना हमारी मदद करने के लिए? हाँ हाँ, रानी परी ने भेजा है मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए। वहाँ परीलोक में सब चिंता कर रहे हैं तुम्हारी। कुछ बुरी शक्तियों को परीलोक के राज पता चल गए जो सिर्फ तुम्हें पता थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने बालवीर और उसके परिवार वालों के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा। उसके परिवार को सुरक्षित करने के बाद ही हम वहां से निकले थे। पता नहीं भयंकर परी को कैसे हमारे बारे में पता चल गया और उसने हमें कैद कर लिया। हमारा उसके साथ युद्ध भी हुआ था लेकिन हम जीत नहीं पाए। भयंकर परी ने हमें बहुत सताया, हमें बहुत तकलीफ दी। अगर हमने हमने बालवीर के असली माता पिता के बारे में उसे कुछ नहीं बताया
हम एक रक्षक परी हैं। हर रानी परी ने हमें बालवीर और उसके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा दिया था, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया और भयंकर परी को उन तक नहीं पहुंचने दिया। बच्चा कहाँ गया? मुझे तो ये राज ही नहीं पता था कि बालवीर के कोई असली माता पिता भी हैं। अब इस परी से उनका पता मालूम करके मुझे उन तक पहुंचना है। फिर मैं कोई ऐसी भयानक योजना बनाऊंगी कि बालवीर मुझसे बच नहीं पाएगा। अंजलि शर्मा। प्रेजेंट सर। चित्रंजन दास, मनोरंजन दास चटर्जी। चित्रंजन दास, मनोरंजन दास चटर्जी। अरे ये एक साथ दो तीन बच्चों के नाम किसने लिख दिए? सर, दो तीन बच्चे का नहीं, एक ही बच्चे का नाम है। मेरा नाम है। स्टैंड अप एंड टॉक। बेटा खड़ा होके बोलो। मैं खड़ा ही हूँ। बाहर आना। तुम तो सच में खड़ा ही, मेरा मतलब है खड़ा ही है। बट आर यू श्योर ये तीनों तुम्हारे अकेले का नाम है? जी, चित्तरंजन दास, मनोरंजन दास चटर्जी, पूरा नाम। गो एंड टेक योर सीट। एक मिनट, स्टैंड अप। तुम्हें आज तक कभी क्लास में देखा नहीं है। सर, हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम एंड हाउ डिड यू एंटर टू माय क्लास? सर, आज मेरा स्कूल में फर्स्ट डे है, प्रथम दिन। शांति शांति। कौन सा दिन? प्रथम दिन। मैं कमी सर। और कितना कमीन? जेब में बिठा लो। सर नया एडमिशन। सॉरी सर, बोलने की बहुत जल्दी रहती तुम लोग को। चित्रंजन दास, मनोरंजन दास चटर्जी, इतने बड़े नाम वालों को एडमिशन देते क्यों? सॉरी बेटा, मैं देख लेता हूँ। यू गो। ओके बेटा, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, सूचना ये है कि हमारे स्कूल में एक बड़े से भव्य से फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। फैशन शो? वाव! जिसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना है। कर लिया डिसाइड? अरे फैशन शो का इंपॉर्टेंट रूल तो मैंने बताया नहीं है। इंपॉर्टेंट रूल ये है कि सबको फैशन शो में अपने हाथों से बनाए हुए कपड़े पहनने हैं, ना कि रेडीमेड लाकर। हाँ, अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत मदद ले सकते हैं बनाने में। लो, बज गई घंटी। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फैशन शो इवेंट। ओके, और प्रथम दिन तुम भी अपनी तैयारी शुरू कर देना है। समझ गए बेटा? समझ गए सर। बेस्ट ऑफ लक टू यू टू। थैंक यू सर। चल सर। बाय सर। बार बार क्या सोचने लगती है? हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकालिए ताकि हम बालवीर के माता पिता के पास पहुंच सके। हाँ, अभी निकालती हूँ। इस जादुई कारावास को नष्ट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी।
क्योंकि अभी ये परी इसी कारावास में रहे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें इस कारावास के बंधन से छुड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इसके लिए किसी और शक्ति को बुलाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, मुझे बालवीर के माता पिता का पता बता दो। मैं आते हुए उनका हाल चाल पूछ लूंगी। नहीं, हमें माफ कीजिएगा, हम उनके बारे में आपको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अगर उनकी जान को खतरा हुआ तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने रानी परी से वादा किया था कि मैं ये राज उनके सिवाय और किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन रानी परी को यहाँ लाने में वक्त तो लगेगा। कोई बात नहीं, जहाँ इतना समय इंतजार किया है वहाँ थोड़ा समय और सही। देखिए, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए, इतने सालों से हम यहाँ पर कैद हैं, हमें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आप हमें थोड़ी सी ऊर्जा दे दीजिए। शुक्रिया परी।